हल्क बाहर जा रहा है, हल्क को बर्गर खानी है, हल्क बर्गर खा के आएगा। आइला हल्क, थोड़ा सा बर्गर मेरे लिए लेके आ जाना। एक काम करना, मेरे लिए कीटू बर्गर लेके आना। अरे हल्क बाहर जा ही रहे हो तो मेरे लिए एक कोको कोला लेके आना। अरे बाबा, मेरे लिए एक फैंटा लेके आना। मेरे लिए एक एनर्जी ड्रिंक लेके आना, अमेरिकन वाली। मेरे लिए पॉपकॉर्न लेके आ जाना प्लीज। तुम लोग हल्क को वेटर समझो क्या? सब सामान को ऑर्डर दे रहे हो, मैं ये सब सामान नहीं लेके आऊंगा, मैं सिर्फ बर्गर खा के आऊंगा। तुम लोग का नौकर नहीं हूँ, अगर चाहिए तो खुद बाहर जाओ और जाके सामान परचेस करो। ये लोग मुझे नौकर समझे हुए क्या? ये रही मेरी धन्नो, मेरी सबसे प्यारी धन्नो, धन्नो धन्नो, इसमें मैं चलूंगा। वाव, ये गाड़ी मेरी फेवरेट है। प्लीज इस गाड़ी के लिए एक लाइक जरूर कर देना, जल्दी से कर दो एक लाइक। ये गाड़ी मेरी फेवरेट गाड़ी है, ये गाड़ी में बूस्ट है, जो मैं बूस्ट देता हूँ तो ये गाड़ी आगे चली जाती है। ये गाड़ी मेरी फेवरेट गाड़ी है, धन्नो मेरी धन्नो, गाड़ी चलो जल्दी चलो, और स्पीड में, वाव अच्छी गाड़ी। चलो फाइनली आ गया शॉप पे, अब जाता हूँ और जल्दी से सामान परचेस करता हूँ। पहले तो बर्गर खाऊंगा, बर्गर मेरा प्यारा बर्गर। तुम ग्रीन हल्क रुक जाओ, आ गया तुम्हारा रेड हल्क, याद है ना? अरे तुम तो रेड हल्क हो, कल का मार भूल गए क्या? मैं तुम्हें फिर से मारूं, तुम मार खाने आए हो क्या? ठीक है, मेरा मार फ्री है, मैं तुम्हें मारूंगा। तुम मुझे मार नहीं पाओगे, क्योंकि उस बार तो मैं अकेला आया था, इस बार मैं अपने भैया को भी साथ लेके आया हूँ, रेड हल्क बड़े भैया। जल्दी आइए, यही है ग्रीन हल्क, जिसने मुझे बहुत बुरा मारा था और लॉस सैंटोस में बर्बादी करने से रोका था। जल्दी आइए, इसे मजा चखाइए। मैं हूँ मुच्छड़ रेड हल्क। क्या लगा मेरे छोटे भाई को किसने तंग कर रहे? उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तू है क्या शान पट्टी दिखाने वाला ग्रीन हल्क? तुम्हें मना करता हूँ ना हम लोग से पंगा नहीं लेने का। मैं रेड हल्क, ये अपने रेड हल्क का बड़ा भाई मुच्छड़ रेड हल्क, तुम्हें मारेगा, क्या बोलते हैं? अब देखो मेरा बड़ा भाई आ चुका है, अब वो तुम्हें बहुत बुरा मारेगा और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे ग्रीन हल्क, तुम रोके जाओगे घर। ये क्या, ये तो दो जन है और इसका बड़ा भाई तो बहुत ही दमदार दिख रहा है, मैं कैसे लड़ूंगा? और बीड़ू तू ही है ना छोकरा जो मेरे छोकरे को तंग करता है? ये मेरा छोटा भाई मांगता है, ये छोटा भाई है मेरा, इसे तुमने तंग किया, अब हम लोग दोनों मिलके तुम्हें तंग करेंगे। आइला ये तो इसकी बाइक दिख रही है, अरे वाह ये बाइक तो मस्त दिख रही है, चलो आ जाओ मेरे छोटे भाई, इसने तुम्हें मारा था, अब हम लोग इसकी बाइक ले लेंगे, क्या बोलते? अरे हाँ भैया, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, यही बाइक ले लीजिए, लेके घर चलेंगे और यही बाइक में तुगड़म तुगड़म खेलेंगे। नहीं कुछ भी करो, मुझे मारो लेकिन मेरी बाइक को मत छुओ, ये मेरी लौती और फेवरेट बाइक है, ये मेरे भैया की निशानी थी, प्लीज ये बाइक को मत कुछ करो, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मेरे भैया की है। अच्छा बेड़ो ये तेरे भैया की है, अच्छा तब से ये हमारी हो गेलो, समझा क्या? नहीं समझ में आया तो ये ले चाण पत्ती मत दिखाना, ले लटक नीचे चाण पत्ती हमें मत दिखाना, चला जा छोड़ो भाई गाड़ी में बैठ। अरे हाँ भैया मैं भी बैठ गया पीछे, चल बेड़ो निकलती चे हम लोग आइंदा इस जगह में दिखियो ना, तो वरना पैसा भी छीन लियो नेक्स्ट टाइम। और बुरा मारियो, मैं तेरा बाइक लेके जा रहा हूँ, मैं बुला लियो अपने बड़े बाइक को, दम है तो मुन्ना रास्कल है, मुच्छर रेड हल्क इज द बेस्ट, मुच्छर रेड हल्क इज द बेस्ट। ये क्या हुआ, मेरी मेरी प्यारी बाइक वो लोग लेके चले गए, मेरी प्यारी बाइक लेके चले गए। हल्क को रोना आ रहा है, हल्क खुश नहीं है अवेंजर्स, हल्क खुश नहीं है, हल्क को रोना आ रहा है।
मैं अवेंजर्स, पता है वो रेड हल्क, रेड हल्क के भैया ने मेरी बाइक छीन ली, मेरे भैया की आखिरी निशानी बाइक छीन ली, बताओ मैं क्या करूं। क्या रेड हल्क का बड़ा भाई भी आ चुका है लॉस सैंटोस में? ये तो बहुत ही दिक्कत हो गई, वो लोग दोनों तो बनमाशी करेंगे लॉस सैंटोस में, हमें वो लोग को रोकना पड़ेगा। और क्या तुम्हारी बाइक भी छीन ली? उन लोग को तो छोड़ेंगे नहीं, वो लोग को दोनों को मारेंगे और उन लोग की बाइक भी छीन लेंगे, मतलब वो जो तुम्हारी बाइक छीन के गए हैं वो वापस ले लेंगे। अरे बाप रे हल्क, तुम रो मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, स्पाइडर तुम्हारे साथ है, हम लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, चिंता मत करो हल्क, हम लोग वो रेड हल्क को बहुत बुरा मारेंगे, चिंता मत करो। नहीं, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मेरे भैया की बाइक चाहिए। अगर हम लोग हल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हल्क दिन भर रोता रहेगा और रो रो करके ये पूरा अवेंजर्स हाउट को सिर में उठा लेगा। एक काम करना पड़ेगा, इसके भैया को बुलाना पड़ेगा। रुको, मैं बुलाता हूँ। जार्विस, जल्दी से हल्क के भैया के साथ कांटेक्ट करो और कुछ भी करके जल्दी से अवेंजर्स हाउस में भेजो। 15 मिनट्स लेटर। मेरा छोटा भाई कहाँ है? मेरा छोटा भाई कहाँ है? जल्दी बताओ कहाँ है। ए, वो तो देखो, वो रहा। अरे मेरे छोटे भाई यार, तुम इतने उदास क्यों हो? देखो तुम्हारा दो दो बड़ा भाई वीर योद्धा आ चुका है। अरे वाह, आप लोग दोनों आ गए, आप लोग दोनों आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग दोनों आ गए। अरे मेरे छोटे भाई की आंखों में आंसू, ऐसे कैसे बताओ? किसने किया ऐसा काम? किसने, किसकी शामत आ गई? जिसने भी ऐसे किया होगा वो तो आज जान से जाने वाला है। मेरे छोटे हल्क भाई को परेशान किसने किया? हो, जल्दी बताओ किसने किया? हम लोग दोनों मिलके वो लोग को खत्म कर देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत पावरफुल है हल्क। चिंता मत करो, तुम्हारा दोनों बड़ा भैया आ चुका है, अब इस बार पूरे तरीके से वो लोग की बैंड बजाएंगे। बताओ कौन है वो लोग? अरे भैया, वो रेड हल्क है, और रेड हल्क एक है, रेड हल्क और दूसरा है मुच्छर रेड हल्क। वो दोनों आपकी बाइक, आपकी पुरानी यादें बाइक चोरी करके लेके चले गए, और उल्टा वो लोगों ने मुझे भी मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, ऐसा किया वो लोगों ने? अब तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं वो लोगों को। क्यों भाई, मारेंगे ना वो लोग को? ये कोई पूछने वाली बात है? वो लोगों को तो इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, कभी वो लोग ने सोची ना होगी। मेरे छोटे हल्क भाई, चिंता ना करो, मैं तुम्हें बाइक भी ला के दूंगा और वो लोगों का चूरमा भी बनाऊंगा। चिंता क्यों करते हो? हम लोग दोनों आ चुके हैं ना, वो लोग को छोड़ेंगे ना। अरे वाह, वो लोगों की बैंड बजी, चलिए हम लोग वो लोगों को मारने चलते हैं। हो, जल्दी चलो वो लोगों को खत्म करने के लिए, हम ही लोग तीनों काफी हैं, चलो जल्दी चलो। बड़े भैया, ये बाइक तो कमाल की है, ये तो मेरी बाइक है, अच्छी वाली। और नहीं तो क्या, ये बाइक तो मुच्छर रेड हल्क की चोरी की भी है, इसीलिए अब से यह बाइक में हम लोग दोनों लॉस सैंटोस में घूमेंगे, मजा करेंगे और सबको मजा चकाएंगे। हा, कोई नहीं बचेगा हम लोग से, यह लॉस सैंटोस को हम लोग बर्बाद करेंगे। हाँ भैया, मेरा भी दिल यही कहता है लॉस सैंटोस को बर्बाद करने का, बट हम लोग मिलके ये सपना कभी पूरा होने नहीं देंगे ये लोग का, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं, अब देखो कि हम लोग क्या करते हैं तुम लोगों के साथ। इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, कुछ ना सोची ना होगी। अरे ये तो ग्रीन हल्क और उसकी परिवार है, मुन्ना रास्कल है, मुच्छा की कसम ये लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। मुच्छो की कसम, ये तो वही लड़का है जो सुबह में हम लोग ने इसे मारा था। अच्छा, रोते रोते अपने भाई लोगों को भी बुला लिया, अच्छा है, अच्छा है, ये लोगों को भी मारेंगे, मुच्छो की कसम। ए, क्या कहा तुमने? मेरे भाई को मारा, छोटे भाई को, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ए, रेड हल्क इधर आओ, तुम्हें तो मैं इधर लेके जाता हूँ, जाओ बाय। ये छोटे वाले रेड हल्क को मारो, मैं ये मुच्छर हल्क से निपटता हूँ, इतना मारूंगा इसे किसने कभी सोची ना होगी। ए, मुच्छो की कसम, मुझे छोड़ दे। ऐसे यादें छोड़ दूँ? अभी तो मैंने सिर्फ पकड़ा है,
अभी तो तुम्हें पूरा लॉस सैंटोस घुमाना बाकी है, अभी छोड़ दूंगा तो किस्सा खत्म नहीं हो जाएगा। ओए छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, ऐसे ना कर, मुझे चक्कर आ रहे हैं, छोड़ दे, तू कहाँ का रहने वाला है, वहाँ घुस के मारूंगा। अच्छा तो मुझे वहाँ मारेगा, पहले इधर तो पकड़ के दिखा, मुझे छोड़ के दिखा, मार के दिखा, देख मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं जंगलों का हल्क हूँ इसीलिए मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, किसी ने सच्ची ना होगी, मैं तुम्हें लॉस सैंटोस के कोने में फेंक दूंगा और तुम्हारे भाई को रेड हल्क को दूसरे कोने में, कैसा लगा प्लान? अरे ये तो बहुत ही गलत प्लान है, मुझोगी कसम, तू एक बार छोड़ दे, मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा तू मुझे बताएगा, ले छोड़ दिया, बता क्या बताना चाहेगा। मुझोगी कसम अब रेड हल्क तुझे छोड़ेगा नहीं। अच्छा रेड हल्क मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन तुम भाग कहाँ गए, लगता है छिप गए, कहाँ गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। ये रहा मैं, मुझो की कसम तुम्हें बहुत बुरा मारूंगा मैं। इतनी जल्दी तो कैसे, मैं भी कोई कच्चा नेमो थोड़ी ना हूँ, तुमने मेरे भाई को मारा है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये लो तुम्हें भी बहुत बुरा मारूंगा। लेकिन उससे पहले मुझो की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक बार छोड़ दे मुझे। नहीं मैंने तुम्हें एक चांस दे दिया, अब बारी है मेरी बारी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ, अभी तो मुझे और भी मारना तुम्हें। ये क्या तुम इतने से भी नहीं थके, मुझो की कसम इतना जल्दी कैसे, इधर आओ अब तुम्हारी बारी खत्म होने वाली है, मैं तुम्हें समुद्र में डुबाने वाला हूँ, ये लो कैसा लगा। ये लो मैंने तुम्हारे भाई को बेहोश कर दिया, इतना मारा इसने कभी सच्ची ना होगी, बताओ छोटे हल क्या तुम अब बाइक दोगे मेरे भाई को, तो वरना तुम्हारा भी यही हर्ष करो। नहीं नहीं मेरे साथ नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे भैया चलिए मैं आपको उठा के चलता हूँ। क्या भैया किससे पंगा ले लिया हम लोगों ने? मेरी बाइक मिल गई, ये रही मेरी बाइक मिल गई, शुक्रिया भैया, ये बाइक कमाल की है, मेरी बाइक मिल गई, वाह वाह वाह, हमें बहुत खुशी हो रहा है अपने भाई को इतना खुश देखते हुए, क्यों बड़े भाई? हो बहुत खुशी हो रही है, इसी तरीके से मेरा भाई खुश रहे, अब हमारे जाने का टाइम आ रहा है। सो गाइस जैसे कि आप लोग ने देखा भाई रेड हल्क की बाइक चोरी हो गई थी और किस तरीके से ग्रीन हल्क के सारे परिवार वाले आए और भाई इसकी मदद किए। तो यार नीचे कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड गाइस देख रहे हो ना यार हल्क कितना खुश है। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट आउट के बारे में, तो आज के इस वीडियो में 3 लोगों को शॉर्ट आउट जाता है। सो गाइस सबसे पहला शॉर्ट आउट जाता है समीना खातून को, दूसरा शॉर्ट आउट जाता है एमडी रकीब अली को, एंड हमारा आखिरी एंड तीसरा शॉर्ट आउट जाता है मिंटू राय को। सो गाइस आप लोग तीनों का शुक्रिया हमारे वीडियो में कमेंट करने के लिए, एंड गाइस अगर आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जाओ जल्दी जाके नीचे कमेंट कर दो, एंड गाइस अगर आपका लक अच्छा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को शॉर्ट आउट मिल जाएगा, तो जाओ जल्दी जाकर के कमेंट करो नीचे, एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।